सत श्री अकाल जी, मैं गुरप्रीत दबड़ी खाना। यह मेरी ती शुभकर्मन बीते दिन ही भगता भाईका विखे कुदरती खेती ट्रेनिंग कैंप च ये एदा छोटा भरा यश कबीर सिंह मेरे नाल ही गए। मैं कैंप च बिजी रहा ते ए खेत च बिजी रहे। उस दौरान इन्हों का जो भी अनुभव रहा वो शुभकर्मन ने कलमबद्ध किया। कोई 8 पेजा का एक छोटा जहा सफरनामा लिखा। 9 वरिया की यदि उम्र है। भाषा हिंदी चुनी है। क्लास यदि चौथी है। मैनू वधिया लग्या सो तुहाडे रूबरू कर रहा। जे तुहानू भी चंगा लगे तो इहनू लाइक करो अते वध तों वध शेयर करो। शुभकर्मन। पापा के साथ सैर का सफर। आज हम अपने पापा के साथ कैंप पर आए। मेरे पापा कैंप में ट्रेनिंग का काम करते हैं। जब हम पहुँचे तब वहाँ कम ही लोग थे। सबसे पहले मैंने और मेरे भाई ने और पापा ने सबको नमस्ते कहा। फिर वहाँ थोड़े लोग आए। फिर पापा उनके साथ बातें करने लगे। मैं और मेरा भाई भी बैठ गए। फिर हमने पापा से पूछा, पापा हम खेत में जा सकते हैं? पापा ने कहा, तुम्हारे ही खेत हैं, जाओ। हमने थोड़ी देर खेत की सैर की। फिर हम वापस आ रहे थे तभी पापा ने मेरे भाई को डांटा, क्योंकि वहाँ एक गड्ढा था। मेरा भाई उसमें गिरने वाला था। उस गड्ढे में गंदा पानी और कीड़े मकौड़े थे। फिर अमृतपाल अंकल ने हमें एक पेड़ के नीचे बैठकर खेलने के लिए कहा। उन्होंने हमारे अंगूर और चीकू एक टहनी से बांध दिए और हम टहनी से बंधे अंगूर और चीकू खाने लगे। हमें बहुत मज़ा आया। हमने वहाँ पर स्ट्रॉबेरी देखी। फिर हमने एक सुंदर फूल को देखा। उसके बाद हमने रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। फिर हमने देखा वहाँ सामने पेड़ पर एक खरबूजे जैसी सिर्फ एक चीज़ थी। वो गोल थी, पता नहीं वो क्या था। हमने बहुत सोचा पर हमें कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या है। कैंप चलता रहा। पापा ट्रेनिंग देते रहे और हम अंगूर खाते रहे। फिर हमने देखा कि तितलियाँ भी पकड़म पकड़ाई खेल रही हैं। हमने पेड़ के नीचे चिड़ियों के गाना गाने की बहुत मीठी आवाज़ सुनी। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक वहाँ तेज़ हवा चलने लगी और पत्तों की आवाज़ से हमें बहुत सुकून मिला। ट्रेनिंग चलती रही, हम बैठे रहे। सच में बहुत मज़ा आया। फिर हम चित्र बनाने लगे। सच में बहुत मज़ा आया। फिर हमें पापा ने कहा, अगर ट्रेनिंग लेनी है तो यहाँ आ जाओ। हमने कहा हमें नहीं आना। फिर हम ट्रेनिंग वाली जगह पर ही बैठ गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत कीड़े मकौड़े आ गए थे। हम पापा की बातें सुनते रहे। पापा पौधों के बारे में ट्रेनिंग दे रहे थे। मेरा भाई बोर हो चुका था पर मैं नहीं। फिर मैंने एक पेड़ पर एक फूल देखा। वो फूल बहुत ही सुंदर था। वो लाल रंग का था। पापा बहुत अच्छे से समझा रहे थे और सब बहुत अच्छे से समझ रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम पिछले पासे खेतों में सैर करने गए। हमने खेतों में अलग अलग तरह के पौधे देखे। फिर वहाँ 2 और लोग आए। फिर कैंप फिर से शुरू हो गया। फिर खाना खाने का समय हो गया। सबने खाना खाया, हमने भी खाना खा लिया। फिर खाना खाकर सबने चाय पी। फिर सब बातें करने लगे। फिर जो अंगूर टहनी से बंधे हुए थे मेरे भाई ने उतार लिए। फिर कैंप शुरू हो गया और पापा ट्रेनिंग देने लगे। पापा ने एक अंकल को एक गन्ना लाने के लिए कहा और गन्ने के बारे में जानकारी दी। फिर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम पेड़ के नीचे कुर्सियों पर फिर से बैठ गए और मेरे भाई को नींद आने लगी। हमें ये भी पता चल गया, जो पेड़ पर वो गोल खरबूजे जैसी चीज़ थी वो एक कद्दू था। उसका बीज बन रहा था। फिर हमने एक चिड़िया की बहुत मीठी आवाज़ फिर सुनी। फिर हम पकड़म पकड़ाई खेलने लगे और फिर मेरा भाई तस्वीरें बनाने लगा और मैं भी। मैंने 5 और सुंदर फूल देखे। फिर हम अमृतपाल अंकल के साथ अंगूर देखने गए। हमने गन्ना भी घर के लिए ले लिया। फिर कुछ लोग चले गए और कुछ
लोग ठहर कर बातें करने लगे। हम भी ठहर गए। हमने घर के लिए आलू भी ले लिए। फिर हम जगतार अंकल का खेत देखने उनके साथ चले गए। हमने खेत में शहर की पौधे देखे। फिर थोड़ी देर अमृतपाल अंकल, जगतार अंकल और पापा बातें करने लगे। फिर हम घर की ओर निकल पड़े और घर पहुंच गए। सफ़र ख़त्म। थैंक यू।